Hello brilliant students, how are you? Hope so that you are all fine and spending a great time. Students, this time we are doing for class 7th exercise 2.1. chapter है fractions and decimals. इसका question number अभी हम कर रहे हैं 7. question में क्या है, let us see. Ritu ate 3/5 part of an apple and remaining एप्पल वॉज इटन बाय हर ब्रदर सोमू. क्या है कि रितु ने खाया कितना पार्ट, 3/5 पार्ट खाया एप्पल का, और बचा हुआ जो हिस्सा है एप्पल का वो उसके भाई सोमू ने खाया. तो क्वेश्चन हमारे पास तीन है यहाँ पर. हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, उस एप्पल का कितना हिस्सा सोमू ने खाया. सेकंड क्वेश्चन है, हु हैड द लार्जर शेयर, किसने ज़्यादा हिस्सा लिया एप्पल का. और थर्ड क्वेश्चन है, बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा लिया. तो है ना, समझ में आया क्वेश्चन. और ये तो बिल्कुल आसान है, जैसे करेंगे आप उसको समझ पाएंगे. तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, इन तीनों क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को निकालेंगे. तो फिर पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे रितु के लिए. रितु एट पार्ट ऑफ एन एप्पल, तो ये 3/5 पार्ट है, ये यहां से कट के यहां पे आ जाएगा, राइट. कितना पार्ट उसने खाया, इतना पार्ट. इसको तो ये इग्नोर कीजिए जो कोई एरर वगैरह दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है. रितु एट पार्ट ऑफ एन एप्पल, कितना कितना खाया रितु ने एप्पल, 3/5. उसके बाद टोटल एप्पल कितना था, 1. उसके भाई ने कितना खाया, हाउ मच पार्ट, पार्ट ऑफ द एप्पल सोमू एट. यहाँ से ही स्टेटमेंट उठा रहे हैं हम, और आप चाहें तो अपनी खुद की बना सकते हैं. नहीं, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं. ओके, तो पार्ट ऑफ द एप्पल सोमू एट, ईट का हो जाएगा एट. क्यों होगा, सेकंड फॉर्म है ना, डिड लग गया, तो डिड के बाद हटने के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, राइट. और इसको ऐसे कर दिया. अब आगे सोमू के लिए हिस्सा निकालना है हमें, तो टोटल एप्पल था वो था 1, तो हम 1 में से माइनस करेंगे इस 3/5 को, राइट. अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 के रूप में. अच्छा, ये तो हमने कर दिया, हम 1 में से 3/5 पार्ट्स माइनस करेंगे. अब हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा तब जब हमारा जो डेनोमिनेटर है इक्वल होगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 5/5 से मल्टीप्लाई, राइट. हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/5 से. तो जो ये नीचे तो 5 है, और मैं इसकी जगह कर देता हूँ 5. हमने 5/5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला पहले केस में 5/5 मिल गया, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 5 5 1 मल्टीप्लाई 5 5 5/5, राइट. और माइनस में हमें मिलेगा 3/5, हम माइनस में 3/5 कर देंगे, तो हमें क्या मिला, यहाँ से 5, जब डेनोमिनेटर सेम हो गए तो फिर जो न्यूमरेटर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो 5 माइनस 3 कितना आएगा,
टू, तो यहाँ पर थ्री की जगह क्या आ जाएगा, टू, टू बाई फाइव, समझ गए। पहले हमने ऑपरेशन किया ये वाला, और इसके बाद जो हमारा आया मिनट ये किया था हमने, ठीक है। इसके बाद हमने ये वाला ऑपरेशन किया, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये आ गया। माइनस करने के बाद हमें मिला ये, क्लियर हुआ कुछ? वेरी गुड, आई नो दैट यू आर वेरी ब्रिलियंट। तो 2/5 हमारा फर्स्ट आंसर जो है ये आ गया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, सोमू ने ईट किया इतना एप्पल, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। उसके बाद किसने ज़्यादा खाया, अब आप देख पा रहे हैं कि रितु ने खाया 3/5 पार्ट, 3/5, और इसने खाया 2/5, तो किसने ज़्यादा खाया, 3/5 ज़्यादा है या 2/5 ज़्यादा है? ऑब्वियसली 3/5 ज़्यादा है, तो फिर हम इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे रितु एट मोर पार्ट। कितना ज़्यादा खाया बाय, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, पहले हमारी ये वैल्यू होगी, हम ये जो बिगर पार्ट है वो लिखेंगे, माइनस में हम करेंगे ये 2/5 पार्ट, राइट। और हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर है वो आएगा 1/5, राइट। 2 की जगह क्या आ जाएगा, 1/5, तो 1/5 पार्ट ज़्यादा खाया रितु ने, तो क्लियर हुआ कुछ? वेरी गुड, हमारा फर्स्ट आंसर है वो ये है, सेकंड आंसर हमारा हुआ ये, रितु ने ज़्यादा खाया, कितना खाया, थर्ड आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये जो है कर लिया, है ना, आसान, ये हमारा आंसर हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, इसी तरह समझते रहिए, बने रहिए और करते रहिए प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको आने वाला है। ओके, बाय।